ये इस तरीके के हमें दो क्विल्टेड पीस चाहिए, ऐसे दो पीसेस चाहिए। इसके मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ, ये है 19 इंच और इसकी लंबाई है 16 इंच। तो ऐसे लंबाई में हमारा बैग बनेगा, ये 19 विड्थ है, 16 इसकी लंबाई है। तो पहले हम इसे शेप देते हैं, जैसे इसे शेप दे रहे हैं वैसे हम दूसरे पीस पे भी शेप देंगे। तो इसे यहाँ से फोल्ड कीजिए, ये मैंने इसे फोल्ड किया इस तरीके से, यहाँ नीचे से इसे राउंड शेप दे दीजिए। ये राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लीजिए। तो नीचे से हमने इसे राउंड शेप में इसे कट कर लिया, तो हमारी बैक की नीचे वाली शेप आएगी। अब हम इसे यहाँ से भी शेप देंगे, उसके लिए हमें कितना मिल 5.5 इंच पे मैंने निशान लगाया, 5.5, और डाउन हमें लेना है 3.5 इंच। यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाया, इसे राउंड शेप में मिला लीजिए इस तरीके से, इसकी भी कटिंग कर लीजिए। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से शेप आएगी। सेम ऐसा ही दूसरे जो ये ऐसा पीस है उस पर भी कट कर लिया, मैंने ये कट किया था सेम उसी तरीके से मैंने एक और पीस कट कर लिया। तो बैग बनाने के लिए हमें टू पीसेस चाहिए, फ्रंट के लिए और बैक के लिए। और हमें क्या चाहिए, इसके सेम इसी तरीके की दो पीस लाइनिंग कट कर था इसकी। मेरे पास सूट का बचा हुआ कपड़ा था तो उसमें से दो सेम साइज़ के मैंने लाइनिंग कट कर ली। बस हमें यही चाहिए, दो पीस ये, इसकी कटिंग मैंने आपको बताई थी, फ्रंट बैक और दो पीस हमें लाइनिंग। और हमें क्या चाहिए, इस तरीके से ज़िप चाहिए इसमें लगाने के लिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो एक पीस लिया इस तरीके से, एक पीस लाइनिंग का हम लेंगे, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। ज़िप मैंने ली है, ज़िप की लंबाई मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितनी ली है, जो एक्स्ट्रा होगी हम बाद में कट कर लेंगे। ये मैंने लिया है अप्रॉक्सीमेट 19 इंच की मैंने ये ज़िप ली है। तो इसे हम अभी अलग कर लेती हूँ, बाद में हम इसमें रनर डाल देंगे। तो इसमें से एक पीस मैंने इसमें से अलग कर दिया, एक हम एक पे लगाएंगे। अब हमें करना क्या है, ये लिया, इसके ऊपर इस तरीके से आपको ज़िप रखनी है राउंड में, और यहाँ से लेके पूरे राउंड में यहाँ तक इस पर सिलाई से इसे अटैच कर लीजिए। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई लगा ली, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। अब लाइनिंग वाला पीस लीजिए, ये मैंने लिया इस तरीके से, इसे इसके ऊपर रखना है आपको, ये जो राउंड वाला है, और इस पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो ज़िप इसके हमारे बीच में देखिए इंसर्ट हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे हल्के से यहाँ पे छोटे से नोचेस लगा दीजिए ताकि ये इजीली टर्न हो जाए। नोचेस लगा दिए, अब इसे दूसरी तरफ को टर्न कर लीजिए इस तरीके से, मैंने टर्न किया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक बैठने वाली सिलाई लगा लीजिए इसके ऊपर, यहाँ से लेके इसके ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बैठने वाली सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से हमारी ये लग गई। इसका जो दूसरा पीस था इस पर भी अटैच करके इसे सेम ऐसे ही रेडी कर लीजिए। इसे मेरे रेडी हो गए, हमने बीच में ये ज़िप इंसर्ट कर ली। अब हमें आगे क्या करना है, ये पीस रखा, इसके ऊपर हमने जो दूसरा पीस है ये रखा, दोनों फ्रंट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए इस तरीके से। अब यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक, ऊपर का छोड़ के यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इस पर सिलाई लगा, मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरा सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा ली। यहाँ से भी हमारा अनफिनिश्ड है, अब यहाँ से इसे सीधा कर लीजिए। सीधा कर लिया इस तरीके से। तो अब हम पहले इसके लिए स्ट्रैप बनाते हैं। स्ट्रैप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बनाने के लिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है, दो पीसेस लिए हैं मैंने। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है, वैसे तो आप लंबाई अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं अगर आपने ज़्यादा रखनी है स्ट्रैप की। ये मैंने ली है 26 इंच इसकी लेंथ ली है, और इसकी विड्थ मैंने ली है कपड़े की 4.5 इंच इसकी मैंने विड्थ लिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ से इसे फोल्ड किया, 1 फोल्ड और 2 फोल्ड इस तरीके से बराबर में इसे फोल्ड करना है
ऐसे, और इसे अच्छी तरीके से प्रेस से बिठा लीजिए, इसको भी और इसको अच्छे से प्रेस से बिठा लिया, यहाँ से फोल्ड किया, ये देखिए यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया और इसे प्रेस कर लिया। सेम उसी तरीके से इसे भी, अब इसे इसके ऊपर रखना है आपको दोनों स्ट्रैप को, और यहाँ से तकरीबन इतना छोड़ते हुए, 2 इंच छोड़ते हुए एक सिलाई यहाँ लगानी है, एक सिलाई यहाँ लगानी है। तो यहाँ से भी ऐसे ओपन छोड़ दीजिएगा, और इस तरफ से भी, यहाँ से भी ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा ये ओपन छोड़ दीजिएगा। तो इस स्ट्रैप को इसके ऊपर रखा दोनों को, और एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए और एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए। मैंने 2 इसलिए लिया ताकि हमारी स्ट्रैप थोड़ी थिक और अच्छी बने। ये मैंने सिलाई लगा ली, एक सिलाई इस तरफ, एक इस तरफ, और यहाँ से इस तरीके से ऐसे ओपन छोड़ दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये मेरी स्ट्रैप बिल्कुल रेडी हो, ये हमारी स्ट्रैप रेडी हो गई थी। अब हम इस पर साइड में प्लीट डालेंगे। तो ये इसका साइड वाला अनफिनिश्ड पोर्शन है, इसे इस तरीके से रखिए। 2 प्लीट यहाँ डलेंगी, 2 यहाँ डलेंगी, टोटल 4। तो यहाँ से इसे 1 और ये जोड़ से 2 प्लीट्स डल गई। इसे पिन अप कर लीजिए, मैंने पिन कर लिया। सेम उसी तरीके से इस तरफ भी 1 और इसके ऊपर 2 और इसे भी पिन अप कर लीजिए। इस तरीके से इसको सिलाई से फिनिश कर लीजिए, इस पर सिलाई लगा लीजिए। और जैसे 4 प्लीट्स हमने यहाँ डाली हैं, सेम ऐसे ही 4 प्लीट्स यहाँ पे भी डाल लीजिए। कि मैंने इस पर सिलाई लगा ली, 1-2 प्लीट इधर, 2 प्लीट इधर, और सेम उसी तरीके से 1-2, टोटल 4-4 प्लीट दोनों तरफ। अब हम इसमें यहाँ से रनर को इंसर्ट कर लेंगे, अंदर इसमें इंसर्ट कर लीजिए, फिर हम इसमें स्ट्रैप जोड़ेंगे बस फाइनल। ये मैंने रनर इसमें इंसर्ट कर लिया, तो हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो गया। यहाँ पे प्लीट का डिज़ाइन, यहाँ पे जिप, अब हम इसके साथ स्ट्रैप ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से हमने ये ओपन छोड़ा हुआ था, यहाँ से इसी से हम इसे ज्वाइन करेंगे। जैसे ये पीस लिया, यहाँ पे प्लीट डली हुई है इस तरीके से, ये लेना है, इसे ऐसे खींचिए, फोल्ड कीजिए, नीचे की तरफ रखिए, इसे इसके ऊपर रखा, फोल्ड किया इस तरीके से, ऐसे यहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई से इसे स्ट्रैप को अटैच कर लीजिए। एक पीस इस तरफ और दूसरे वाले पीस को इस तरफ स्ट्रैप को अटैच कर लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से। तो इस पर सिलाई लगा दी, मैंने इस पर सिलाई लगा दी, ये स्ट्रैप भी जोड़ ली और ये भी जोड़ ली। तो इस तरीके से मेरा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। यह हमारी जिपर है, देखिए अंदर इसके काफ़ी स्पेस है, काफ़ी बड़े साइज़ का ही हमने बनाया है जिपर के साथ। फ्रंट साइड यहाँ प्लीट का डिज़ाइन, बैक साइड इस तरीके से, आप इसमें जो भी कपड़े वगैरह, जो भी सामान रखना चाहें वो आप इसमें ईज़िली रख सकते हैं। सामान रख लिया तो इस तरीके से फिनिश होने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा, फ्रंट साइड, बैक साइड विद जिपर। तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।